सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब देखो यार, मार्च स्टार्ट हो गया है। हम भले ही थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन मार्च के अंदर क्या क्या तगड़ा कंटेंट आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, उसकी लिस्ट बनाकर लाए हैं। कुछ शोज जो रिलीज हो गए हैं, उसमें से मेरी क्या रिकमेंडेशन है आप लोग के लिए, वो भी आप लोग को बताएंगे। तो वॉच वीडियो टिल द एंड, एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग जाए देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, एज ऑफ नाउ अभी मार्च के अंदर जो जो कंटेंट रिलीज हुए हैं, उसमें से कुछ कंटेंट है जो मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो थिएटर के अंदर ड्यून का जो सेकंड पार्ट है वो रिलीज हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है, देन आप लोगों को डेफिनेटली एक बार को थिएटर में इस मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। 9 की IMDb रेटिंग एंड वाई 90% के ऊपर का रोटेन टोमेटो पे स्कोर लेकर चल रही है इस मूवी का सेकंड पार्ट। तो आप लोग समझ लो कि किस लेवल की स्टोरी भाई इनके मेकर्स ने बनाई होगी। एक जो अगला कंटेंट है वो आप लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है। इंडियन सीरीज है जिसका नाम है मामला लीगल है। ज्यादा प्रमोशन नहीं करा गया इस सीरीज का, बट मैंने जब इस शो को देखा तो भाई मजा आ गया। कॉमेडी और इंडियन कोर्ट कचहरी का जो सिनेरियो इधर प्रेजेंट करा गया है वो एकदम फेनोमिनल है। एंड इसके अंदर आप लोग को जो लाइक रियल इंसिडेंट कुछ फनी फनी हुए थे कोर्ट के अंदर, उसको रेप्लिकेट करके लाइक स्टोरी प्रेजेंट करी गई है। अब अगर हम लोग बात करें कि आगे मार्च के अंदर क्या क्या मसाला आप लोग को देखने को मिलेगा, तो देखो भैया इसमें नेटफ्लिक्स ही छाया हुआ है, क्योंकि उन्हीं के सबसे ज्यादा शोज एंड मूवीज आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जो 6 मार्च को आप लोग को नेटफ्लिक्स की तरफ से पहला शो देखने को मिलेगा, उसका नाम है सुपर सेक्स। हाँ भाई, टर्की ऑडियंस को भी नेटफ्लिक्स ने माइंड में रखा हुआ है, तो ये शो आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे तो इतिहास गवाह है कि भाई नेटफ्लिक्स की किसी भी सीरीज के अंदर अगर सेक्स घुस जाए तो भाई वो लोग उसको हिंदी डब करवा के ही मानते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना शो हो। अगर मूव करें 7 मार्च को, तो आप लोग को 7 मार्च को द जेंटलमैन करके एक सीरीज देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। 7 मार्च को ही आप लोग को भाई द सिग्नल नाम की भी सीरीज आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगी। एंड प्राइम वीडियो की बात करें तो इस दिन आप लोग को रिकी स्टैंकी नाम की एक जो मूवी है वो देखने को मिलने वाली है, जिसको हिंदी लैंग्वेज में रिलीज करा जाएगा। बात करें 8 मार्च को, तो इस दिन आप लोग को भाई काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हॉटस्टार की बात कर लें तो इधर आप लोग को शो टाइम नाम की एक सीरीज देखने को मिलने वाली है। G5 के ऊपर आप लोग को हनुमान मूवी का जो OTT प्रीमियर है वो देखने को मिल जाएगा। एंड थिएटर के अंदर आप लोग को भाई शैतान नाम की जो मूवी है, जिसके अंदर आप लोग को लीड रोल में अजय देवगन देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिल जाएगी। मैरी क्रिसमस मूवी, जिसके अंदर विजय सेतुपति सर एंड कैटरीना कैफ होने वाली हैं, इसका प्रीमियर आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन जो 8 मार्च की सबसे बड़ी रिलीज है वो नेटफ्लिक्स की मूवी होने वाली है, जिसका नाम है डैमसेल, जिसके अंदर आप लोग को लीड रोल में मिली बॉबी ब्राउन देखने को मिलेंगी। अभी तक जो इस मूवी के भाई पहले ट्रेलर और ग्लिम्स आए थे, उसमें तो बहुत फाड़ू मूवी लग रही है। जब रिलीज हो जाएगी तो इसका रिव्यू करने की भी कोशिश करेंगे। बात करें 12 मार्च की, तो इस दिन आप लोग को नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखने को मिलेगी, जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट। एंड 13 मार्च को आप लोग को बेंडिडोज करके एक सीरीज देखने को मिलने वाली है, नेटफ्लिक्स के ऊपर ही रिलीज करी जाएगी। एंड इसको हिंदी में ड्रॉप तो करा जा ही रहा है, लेकिन अभी तक जो इसके पहले ग्लिम्स आए हैं वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, बिकॉज इसका नाम अभी तक तो मैंने सुना नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखा है तो लग रहा है कि हाँ, एक कोई तगड़ा माल आप लोग को नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिल सकता है। बात करें 14 मार्च की, तो 14 मार्च को आप लोग को आर्ट ऑफ लव नाम की जो एक मूवी है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। लव है तो हिंदी डब में आना तो कंफर्म ही था। इसी के साथ ही आप लोग को भाई 14 मार्च को ही फाइनली प्राइम वीडियो के ऊपर इनविंसिबल सीरीज के सीजन 2 का जो सेकंड पार्ट है वो देखने को मिल जाएगा। सो मूव करें 15 मार्च को, तो इस दिन आप लोग को आए बहुत ज्यादा मल्टीपल कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से सुनना, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है मर्डर मुबारक। ट्रेलर से एकदम प्रॉमिसिंग लग रही है, देखते हैं इसकी स्टोरी भाई कैसी होगी जब ये रिलीज हो जाएगी। इसी दिन आप लोग को भाई आयरन ड्रैगन नाम की एक नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज देखने को मिलेगी। अभी तक तो भाई सब कुछ सही लग रहा है इसका, जब ये रिलीज होगी तो इसका भी रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चिकन नगेट करके भी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज रिलीज हो रही है इसी दिन। इसके ऊपर मैं बेट ले रहा हूँ, बिकॉज अभी तक मेरे को लग रहा है कि शो के अंदर पोटेंशियल है कि आप लोग को एक धांसू स्टोरी प्रेजेंट कर सकता है। अगर थिएटर की बात करें तो आप लोग को कुंग फू पांडा की जो नई मूवी है वो देखने को मिलने वाली है। मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप लोग नियर बाय के थिएटर में मूवी लगे देन इसको डेफिनेटली उधर जाके चेकआउट करना, हाँ सस्ते लोटपोट हो जाओगे। एंड अगर आप लोग को बॉलीवुड का ऑप्शन चाहिए, तो इसी दिन आप लोग को योद्धा मूवी भी थिएटर के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर लीड रोल में आप लोग को भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। बात करें 20 मार्च को, तो इस दिन आप लोग को भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर एक्समैन 97 नाम की एक एनिमेशन सीरीज देखने को मिलेगी। हिंदी में नहीं आ रही है, इंग्लिश लैंग्वेज में आ रही है, बट इसके अंदर जो पोटेंशियल है स्टोरी वाइज वो मेरे को काफी सॉलिड लगा, तो दैट्स व्हाई मैंने आप लोग को रिकमेंड करा है। जितने भी मार्वल वाले फैंस हैं या फिर जिन लोगों ने एक्समैन की लाइक कॉमिक्स को फॉलो करा हुआ है, वो लोग डेफिनेटली शो को चेकआउट कर सकते हैं। सो बात करें 21 मार्च की, तो इस दिन आप लोग को भाई रोड हाउस नाम की एक जो मूवी है वो देखने को मिलेगी प्राइम वीडियो के ऊपर। एंड इसी दिन आप लोग को जियो सिनेमा के ऊपर ओपन हैमर का जो हिंदी प्रीमियर है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन 21 मार्च की जो सबसे बड़ी रिलीज है वो होने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जहां पे आप लोग को 3 बॉडी प्रॉब्लम नाम की सीरीज देखने को मिलेगी।
जो कि बजट वाइज एक्सपेंसिव तो हाई है, लेकिन इसके स्टेक्स इस वजह से भी हाई हैं क्योंकि इसको बनाया है गेम ऑफ थ्रोन्स के मेकर्स ने। सो दैट्स व्हाई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टोरी भी उनको लाइक तगड़े लेवल की ही देखने को मिलेगी। तो जब शो रिलीज होगा तो इसका रिव्यू करने की मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। आप लोग बताना कितने लोग इस शो के लिए एक्साइटेड हो। सो बात करें 29th ऑफ मार्च की, तो इस दिन आप लोगों को नेटफ्लिक्स के ऊपर द विजेस ऑफ फियर नाम की मूवी देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में। एंड इसी दिन आप लोग को भाई थिएटर के अंदर काफी बड़े बड़े मूवीज देखने को मिलने वाले हैं। पहली मूवी है गॉडज़िला एक्स कॉन्ग, जिसको हिंदी लैंग्वेज रिलीज करा जाएगा। दूसरी मूवी है घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर। मैं दोनों ही मूवीज के लिए एक्साइटेड हूं, बट दोनों एक दिन में ही रिलीज हो रही हैं, तो देखते हैं भाई एक दिन में मैं दोनों मूवी को कवर कर पाता हूं या फिर नहीं कर पाता हूं, लेकिन ट्राई तो जरूर करूंगा। इसी के साथ ही देखो फाइटर मूवी का भी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग को भाई मार्च के अंदर ही देखने को मिल जाए नेटफ्लिक्स के ऊपर। इसकी डेट अभी आनी बाकी है, तो जैसे कंफर्मेशन हमको मिल जाएगी वो मैं आप लोग को इंस्टा के ऊपर अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग भाई चैनल के इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में सकता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।